हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज एक नहीं बल्कि दो रेसिपी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले इनका नाम हम आप सबको बता देते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ गार्लिक नॉन और चीज़ गार्लिक पराठा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले नॉन के लिए आटे को तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने एक कप से थोड़ा सा कम मैदा ले लिया है, साथ में इसमें मैंने मंगरेला डाल लिया है और इसके अंदर मैंने नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के इनको हल्के हल्के पानी के साथ भूत लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालने से हमारे आटे बिल्कुल ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और हमारे नॉन भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे आटों को गूंथ के रख लिया और इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ध्यान दें, आप जब भी नॉन बनाएं तो इसमें मंगरेले का यूज़ ज़रूर करें। इसके फ्लेवर से हमारे नॉन काफ़ी बेहतरीन और अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये नॉन का टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ही लगेगा, जैसा कि आप सब रेस्टोरेंट में नॉन खाते हो। तो ये हमारे चीज़ गार्लिक नॉन का डो बन के तैयार हो गया है। इनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया है। तो आइए आप पराठे की तैयारी कर लेते हैं। चीज़ गार्लिक पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा और इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और साथ में रिफाइंड ऑयल। इनको भी मैंने थोड़े थोड़े पानी से गूंथा है ताकि हमारे पराठे बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हों। और हल्के के पानी को लेके हम ये आटे को अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही हार्ड ना रखें इनको। सॉफ्ट जैसे हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह से ही हम इनको गूंथ लेंगे। आटा जब हमारा गूंथ के तैयार हो जाएगा तो इनको हम गूंथने के बाद 2 मिनट के लिए और अच्छे से इनको मसल लेंगे और इसे हमारा नॉन बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो गार्लिक पराठा हमको बनाने के लिए इस तरह से ही आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इनको भी हम रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। नॉन के लिए हमने जो आटा तैयार किया था उनको मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा है और मैंने आटे को 5 से 10 मिनट के लिए। तो गार्लिक नॉन और पराठा बनाने के लिए हमको गार्लिक पेस्ट तैयार करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्यूब्स अमूल के बटर लिए हैं, साथ में मैंने 8 से 10 कली लहसुन के ले लिए हैं, ग्रीन चिल्ली ले लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया और इनको मैंने अच्छे से इस तरह से कूट लिया है। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो ये देखिए इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। और गार्लिक चाहे तो आप इनको कटर में भी क्रश कर सकते हैं या फिर ग्रेटर में ग्रेट कर लें, आप किसी भी तरीके से इनको क्रश कर लें। हमको इनका एक पेस्ट तैयार करना है, फाइन पेस्ट होना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर में आप इनको ना डालें क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो हमको सूखा पेस्ट तैयार करना है तो आप इस टिप्स को ही अपनाएं। तो ये देखिए मैंने पेस्ट को तैयार करके इस बटर में ऐड कर दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे बटर में और लहसुन की सारी स्मेल एक जैसे हो जाए और हमारे बटर भी अच्छे से मेल्ट होकर तैयार हो जाए। अब इसमें हम डाल दिए हैं धनिया की पत्ती और साथ में पुदीने की पत्तियाँ। अभी सीजनल है तो हमको पुदीने की पत्तियाँ मिली हैं, तो आप सब भी ज़रूर यूज़ करें। ये हमको लू से बचाता है और इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। गार्लिक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो अब आइए पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आटे को 5 से 10 मिनट के रेस्ट करने के बाद इसमें से मैंने एक छोटी सी लोई निकाल ली है। लोई को मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, बहुत छोटा ना ले, थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई ली और इनको इस तरह से रोटी की तरह यूँ बेल लेना है। और दूसरी साइड मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा जब तक गर्म हो रहा है हमारी रोटियां भी बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रोटी को अच्छे से बना लिया है। ये हमारे चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। मोटी पतली रोटियां ना बेलें, आप इक्वल साइज़ की रोटियां ही बेल लें। ये रोटी बनाने के बाद मैंने इस पर लगा दिया अपना गार्लिक का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था। इनको पहले एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस तरह से हमको चारों तरफ से इस पर अप्लाई कर लेना है। आप सबने तो गार्लिक नॉन या गार्लिक पराठा तो खाया होगा, गैस कभी चीज़ गार्लिक पराठा खाया है आप सबने? अगर नहीं खाया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आप सबके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आप सब अपने घर पर ही इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पर ही मिलेगा और आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर गार्लिक का पेस्ट लगाने के बाद इनको इस तरह से कट कर लिया है। हमको दोनों साइड से इनको कट कर लेना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलें। तो ये देखिए मैंने इनको कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ क्रश करके डाल दिया है। आप चाहे तो अमूल का चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आपको तीखा खाना पसंद हो तो आप इसमें ग्रीन चिली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप इस पे चिली फ्लेक्स डालें या फिर आप रेड चिली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर ऐड करो और फिर इनको एक के ऊपर एक ऐसे सीरियल में लगा लेना है। ध्यान ये देगी आपके जो चीज़ वाले हिस्से हैं वो ऊपर की साइड ही होने चाहिए। सबसे लास्ट वाले हिस्से हमारे ऊपर से अपोजिट साइड होंगे, जिससे हमारे सारे चीज़ को कवर कर लेगा
तो ये देखिए मैंने आटे से बनने वाले कितने सारे पराठे की रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया है, तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। ये देखिए मैंने लास्ट वाला हिस्सा को अपोजिट साइड से इनको कवर कर दिया और हमारा ये रोल देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब इस पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इनको फिर हल्के हाथों से इनको बेल लेंगे और बेलने के बाद ये देखिए हमारे पराठा कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं, कहीं से भी हमारे पराठे फटे नहीं हैं और ये बन के तैयार होंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार होंगे। माउथ वाटरिंग डिश है ये। तो ये देखिए हमारे पैन भी गर्म हो गया है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है अपना ये पराठा गार्लिक पराठा। अब इनके चारों साइड से हमको डाल देना है बटर। बटर लगा के पराठे को सेकने से इसमें चार चांद और आ जाते हैं, इससे टेस्ट और इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बटर लगा के पराठे सेकने की कोशिश करें, या फिर अगर आप सबके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप सब अपने जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो या जो आप खाता पसंद करते हो आप उनसे इनको सेकें, वो भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए इन दोनों साइड से इनको पलटते पलटते क्रिस्पी कुरकुरा होने तक अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लें, जिससे हमारे पराठे अंदर तक सिक जाए। अगर आपको लगता है कि बटर हमारे कम है, पराठे हमारे अच्छे से नहीं सिके हैं, तो आप ऊपर से और बटर डालें और इनको अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लें और ध्यान रखें कि ये पराठे बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए। ये देखिए मैंने पराठे बना के तैयार कर लिए। अब इनको इस तरह से हम सर्व करेंगे। इनको पहले फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। मैंने देखिए इनको इस तरह से ऐसे फोड़ दिया अपने हाथों से। तो ये देखिए हमारी लेयर कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई और खाने में तो ये और भी ज़बरदस्त लग रहा था। तो आप सब भी इनको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ये देखिए इनके अंदर की चीज़ कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और कितनी अच्छी लेयर हमें बन के तैयार हुए हैं। तो आप सब भी अपने घर पे कोई गेस्ट आए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, झटपट से बन के तैयार होने वाली रेसिपी है ये। तो ये देखिए हमारी लेयर बिल्कुल अलग अलग निकल रही है और आप सभी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि हमारी ये चीज़ गार्लिक पराठा की रेसिपी कैसी लगी। तो आइए अब चीज़ गार्लिक नॉन की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट बाद मैंने आटे को निकाला और इनको अच्छे से मसल दिया है ताकि हमारे आटे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसे मैंने टोटल 5 लोई बना के तैयार कर ली और एक लोई मैंने लिया और इनको फिर रोटी की तरह ही बेल लिया है। इनकी रोटियां थोड़ी पतली होंगी, हमको मोटे नहीं रखने हैं। हमारी आटे वाली रोटी की लोई जो होगी वो मोटी रहेगी और नॉन की रोटी जो रहेगी हमारी पतली रहेगी, ये ध्यान देना है आप सभी को। बेलने के बाद इसके ऊपर हमने लगा दिया है गार्लिक का पेस्ट और फिर मैंने चीज़ को स्प्रिंकल कर दिया है या ग्रेट कर लिया है और इनको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमारे चीज़ और गार्लिक दोनों नॉन के अंदर ही रहे और ये फिर इस तरह से इनको फोल्ड कर लेना है और लास्ट वाले हिस्से को नीचे की साइड में इनको दबा देना है। लोई पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर ले और इनको रोटी की तरह बेल ले। आप चाहे तो नॉन की शेप में भी इनको बेल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको गोल शेप में बेला है। तवे को गर्म कर लिया है और फिर इनको इस तरह से लटते पलटते दोनों साइड से सेक देंगे पहले ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और फिर हम इसको इस तरह से आँच दिखाते हुए कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। आप धीमी आँच पे ही इनको सेकिए, तेज आँच पे ये जल जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए आप इनको सेकते रहें ताकि ये कुरकुरे भी हो जाए और अंदर तक पक भी जाए और देखने में और खाने में कुरकुरे भी लगे। आप चाहे तो तवे पे एक साइड पानी लगा के भी सेक सकते हैं, तवे को उल्टे करके सेक ले। और मैंने इस तरह से इनको इसलिए सेका है इससे वे थोड़ा से तंदूरी फ्लेवर इसमें आ जाता है और इनकी जो खुशबू और सुंदी सुंदी खुशबू लगती है खाने में वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस टाइप के नॉन को खाने की। तो ये देखिए हमारे नॉन बन के तैयार हो गए हैं, दोनों साइड से मैंने इनको क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे गार्लिक वाला पेस्ट, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर देंगे और ये बिल्कुल हमारा सर्व करने के लिए तैयार हो गया। तो आप सब इनके साथ कौन सी सब्जियां खाना पसंद करेंगे आप सब मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, तो मैं आप सबके लिए वो रेसिपी भी लेके आऊँगी। तो अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें जिससे मुझे पता चले कि आप सबको ये वीडियो मेरी कितनी अच्छी लगी। और इस पे एक बेल आइकॉन भी है, इनको भी प्रेस कर दें ऑल पे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचेगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं साउथ कट्टा मीठा नाम से हूँ और मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ वहाँ पे आती हूँ। तो अगर आप सबके पास कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप सब मुझे वहाँ पे कमेंट कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें।